दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो चला है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, और उन्हीं में से एक है राजगढ़ जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सारंगपुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने गौतम टेटवाल को मौका दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर हारी हुई प्रत्याशी कला मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें, साल 2018 के चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी कला मालवीय इस बार फिर चुनावी मैदान में है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा में 1,82,000 मतदाता है, और यह विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह विधानसभा भाजपा का गढ़ भी मानी जाती है, और यही कारण है कि इस बार फिर कला मालवीय कमजोर नजर आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कुंवर कोठार को टिकट नहीं देते हुए गौतम टेटवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब गौतम टेटवाल अपने दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में कला मालवीय को पटकनी देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। साल 2018 में हार चुकी कला मालवीय को समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और पार्टी के अंदर खाने में भी इनका भरपूर विरोध हो रहा है। जहां कांग्रेस की ओर से अन्य लोगों के द्वारा भी टिकट मांगा गया था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर कला मालवीय को टिकट दिया है, जिसको लेकर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अंदर खाने से नाराज नजर आ रहे हैं, और वह कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील कर पार्टी प्रत्याशी मालवीय को हराने की जुगत में लगे हुए हैं। और पार्टी कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ अंदर खाने ही पार्टी प्रत्याशी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कला मोहन मालवीय क्षेत्र में 5 साल से सक्रिय भी नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण भी लोगों के विरोध का एक कारण यह सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के गौतम टेटवाल द्वारा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच में रहकर उनका काम किया गया है, जिससे भाजपा में कोई अंदरूनी कलेश नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में यह हर दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सारंगपुर में कांग्रेस का हारना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल, कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।